नमस्ते दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं यूएस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में। तो सोचिए कभी ऐसा हो कि आप कोई ऑफिस में टॉप पोजीशन पे हो और आपके जो नीचे के लोग हैं वो आपको आपके पोजीशन से हटा दें, तो कैसा होगा? तो बिल्कुल ऐसा ही इम्पीचमेंट की प्रोसेस में होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट इम्पीचमेंट की प्रोसेस शुरू की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि ये प्रोसेस कैसे शुरू होती है और दोनों हाउस से कैसे पास होती है। तो मेनली सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस होती है वो लोअर हाउस से शुरू होती है। लोअर हाउस मतलब कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये पहले इनिशियली स्टार्ट किया जाता है। वहां से नॉर्मली ये सिंपल मेजोरिटी के साथ पास किया जाता है और फिर ट्रायल शुरू करने के लिए ये अपर हाउस में जाता है। अपर हाउस मतलब बोले तो सीनेट में। सीनेट में जब ये जाता है तो वहां पे ट्रायल शुरू होता है और उसके बाद वोटिंग होती है। 2/3 मेजोरिटी के साथ इसको कभी सपोर्ट किया जाएगा, मतलब कि 67 मेंबर्स के द्वारा कभी सपोर्ट किया जाएगा तो फिर प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा, मतलब कि उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। यूएस की हिस्ट्री में डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले प्रेसिडेंट होंगे जिनके खिलाफ 2 बार इम्पीचमेंट की प्रोसेस लाई गई। अमेरिका की हिस्ट्री में इससे पहले भी प्रेसिडेंट इम्पीच किए गए थे। सबसे पहले थे एंड्रयू जॉनसन, उसके बाद थे रिचर्ड निक्सन और थर्ड थे बिल क्लिंटन, और अभी रिसेंटली हमने केस देखा है डोनाल्ड ट्रंप का। तो कभी दोस्तों आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।